वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बीच जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका देवेंद्र जी आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बीते दिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 105 मौतें एक दिन में हुई, कोरोना संक्रमण भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, आपको क्या लगता है इतने खराब हालात क्यों है? देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आज अगर हम विचार करें तो करीब देश के 36-37% जो मरीज है वो महाराष्ट्र के हैं और देश की 41% मौतें ये महाराष्ट्र में हुई है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। और इसका एक विशेष रूप से कारण मुझे जो दिखाई देता है कि लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार की सख्ती महाराष्ट्र में होनी चाहिए थी वो सख्ती नहीं हो पाई, लेकिन अब मैं मानता हूं वो तो इतिहास है। अब तो जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हमारे सामने, चाहे वर्ली हो चाहे धारावी हो, एरिया स्प्रेड बड़े पैमाने पर यहाँ हमको दिखाई पड़ता है, बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग शहरों में भी कोरोना के मरीज बढ़े हैं। लेकिन महत्व की बात यह है कि आज मुंबई की स्थिति अगर हम देखें तो मुंबई में अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने जो चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्पाइक आएगा इसकी इत्तला सरकार को दी गई थी और कम से कम 1-1.5 महीना पहले दी गई थी और इस स्पाइक के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी ये भी बताया गया था, पर दुर्दैव से सरकार ने उसको अंडर एस्टिमेट किया और वो तैयारी नहीं की। अभी कुछ उन्होंने सेंटर तैयार किए, नेस्को में किया है, एमएमआरडीए में किया है, कुल मिलाकर इसकी कैपेसिटी 3,000 है और मुंबई में रोज 1500-1700 पेशेंट ये कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था बहुत कम पड़ने वाली है। और इन व्यवस्थाओं में भी डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, अभी उसकी सारी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और मैं आपको एक बहुत शॉकिंग बात बताना चाहता हूँ अंजना जी, कि जिस प्रकार से मुंबई में अभी कोरोना की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आप अगर मई महीने का उदाहरण ले तो अकेले मई महीने में 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जितने सैंपल लिए गए, उन सैंपल में से फेल सैंपल को अगर अलग कर दिया जाए तो करीब 32% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पिछला एक हफ्ता 17 से लेकर 24 तारीख तक का हफ्ता अगर हम देखें तो उसमें उससे भी ज्यादा पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम यह है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने की जगह मुंबई में सैंपल्स को कम करने का काम किया गया है। आज मुंबई में 10,000 सैंपल रोज टेस्ट करने की कैपेसिटी है, मई के महीने का एवरेज टेस्टिंग ये 3,500 का है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों का आप देखेंगे तो किसी दिन 2400 है, किसी दिन 2600 है। तो अगर होता यह है, पहले टेस्टिंग होती थी, अब टेस्टिंग उन्होंने बिल्कुल स्टैग्नेट कर दिए। जब कोरोना का प्रकोप बढ़ता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी पॉजिटिव आने की संख्या बढ़ती है, तो टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। देश में जितने सैंपल लिए जाते हैं उसमें से 5% पॉजिटिव आते हैं और अगर आपके यहाँ 32% या किसी हफ्ते में 43% या कुल मिलाकर 13-18% इस प्रकार से आपके यहाँ पॉजिटिव रुग्ण आते होंगे तो मुझे लगता है इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। आपको टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए और व्यवस्थाएं भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, दो बड़ी बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी नजर से, आप मुख्यमंत्री भी वहां पर रहे, क्या ऐसी बड़ी चूक हुई, क्या ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था सरकार को, और क्या ऐसा नहीं किया जो करते तो शायद बेहतर रहते? देखिए अंजना जी, दोनों सवाल तो एक ही जैसे है। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वही अगर करते तो बेहतर होता, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने भी लगातार मुंबई या महाराष्ट्र की परिस्थिति दिखाई, जिस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन बार बार हुआ और वो क्यों हुआ, तो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, देखिए लॉकडाउन अगर सफल बनाना है तो सप्लाईज को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है, महाराष्ट्र में वो हो नहीं पाया। आपको आश्चर्य लगेगा, जिनके पास रेशन कार्ड है ऐसे भी 3 करोड़ लोगों को उनका राशन मार्च और अप्रैल महीने में नहीं मिला, वो मई महीने में मिला, मई महीने में उनको दिया गया। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है
उनका तो राशन का कोई हिसाब ही नहीं रहा। इन्होंने कहा उनको तो हम कुक्ड मिल देंगे, वो भी दे नहीं पाए। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाईज नहीं होता तो सप्लाई के लिए लोग किसी भी हालत में बाहर जाते हैं, और ऐसे समय आपका लॉकडाउन जो होता है उसकी धज्जियां उड़ती है। तो मुंबई में उसकी धज्जियां उड़ना शुरू हुई। दूसरा ये था कि मुंबई में शुरुआत में जो सारे के सारे हॉस्पिटल्स थे उनको जिस प्रकार से पीपी किट्स देने की आवश्यकता थी, प्रोटेक्टिव गियर्स देने की आवश्यकता थी, आपको आश्चर्य होगा कई दिनों तक मुंबई जैसी जगह पर सरकार के अस्पतालों में भी एनजीओस पीपी किट दे रहे थे, ये खरीद नहीं पा रहे थे। एनजीओस को मिल रही थी लेकिन राज्य सरकार नहीं खरीद पा रही थी। तो एक प्रकार से बड़े पैमाने पर फ्रंट लाइन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है उनको कोरोना वो ग्रसित हुए। आज महाराष्ट्र में पुलिस जो है 1800 से ज्यादा पुलिस कोरोना से ग्रसित हो गई। तो ये जो सारी चीजें, आपको पता होगा नागपुर बेंच में हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हमने, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पर कुछ 1800 पुलिस के लिए मास्क मांगे थे तो हमको 50 या मिले या 100 मिले या 150 मिले, ऐसा कुछ फिगर उसमें आया। एकदम मतलब इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं जो करनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं की। दूसरा, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल सरकार नहीं कर पाया। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए क्योंकि कोरोना नॉन कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं था। प्रोटोकॉल नहीं था तो उनके यहाँ कोरोना के पेशेंट मिले या उनके मेडिकल स्टाफ में दो तीन लोग मिले तो हमने शुरुआत में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल सील कर दिए, तो हॉस्पिटल्स की कमी हो गई। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज अवस्था ऐसी है कि मुंबई में सरकार के हॉस्पिटल में या अन्य भागों में भी जगह मिलती नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 30,000 रुपया पर डे, 40,000 रुपया पर डे, सरकार कहती है हमने कैपिंग की है, कैपिंग में कोई बेड नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता थी इन व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं किया गया, इसके कारण कोरोना का विस्तार बहुत तेजी से। ठीक है देवेंद्र जी, हालांकि अब उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लेकर अपना एसओपी बनाया है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें धारावी की हैं, आज की हैं। अब ये मानवता के सामने बहुत बड़ा संकट काल है, परिस्थितियां ऐसी हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि मुंबई का जनसंख्या घनत्व खासतौर पर धारावी जैसे इलाकों में ऐसा है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपके सांसद नारायण राणे ने कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए महाराष्ट्र में, क्या आप इसे सही मानते हैं, सहमत हैं इससे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका यह है कि हम कोई राष्ट्रपति शासन वगैरह नहीं चाहते, हम कोई सरकार बनाने के लिए इच्छुक भी नहीं है। अभी ये राष्ट्रपति शासन या सरकार बनाने का समय नहीं है, अभी हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसे समय मुझे ऐसा लगता है कि राज्य की सरकार अस्थिर हो, राज्य में कोई पॉलिटिकल संकट तैयार हो, ये परिस्थिति नहीं है। तो नारायण राणे ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर फडणवीस जी? देखिए नारायण राणे जी हमारे नेता हैं और वो ठेठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार की अवस्था मुंबई में तैयार हो रही है और सरकार का अस्तित्व ही नहीं दिखता, जब सरकार का अस्तित्व नहीं दिखता तो ऐसी सरकार रहे चाहे नहीं रहे ये क्या इसका फायदा है, उसकी जगह राष्ट्रपति शासन लगे। मुझे लगता है कि ठीक है भावना में उन्होंने इस बात को कहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है, अभी जो सरकार चल रही है उसी सरकार से सक्षमता से काम कैसे लिया जाए ये प्रयास हमको करना पड़ेगा। और आपने जो धारावी की बात कही, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब सेंट्रल टीम आई थी तो सेंट्रल टीम ने भी धारावी में ये कहा था कि धारावी के जो लोग हैं जिनको कोरोना होता है उनके जो असिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजिए, और उस समय सलाह दी गई थी कि धारावी के लिए आपको 30-35-50 हज़ार लोगों की भी व्यवस्था करनी पड़े तो व्यवस्था कीजिए क्योंकि उसके कारण धारावी में ये स्प्रेड नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके ऊपर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और सेंट्रल टीम ने जो कहा उसको दरकिनार कर दिया गया। तो इसके कारण फिर निश्चित रूप से जो घनता है उस घनता के कारण वहां पर इन्फेस्टेशन बढ़ना शुरू हुआ, इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हुआ। मुझे लगता है राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से तेजी से निर्णय लिए जाने चाहिए वो निर्णय नहीं लिए जा रहे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला सवाल मेरा, नारायण राणे के कहने की वजह से हुआ या जो भी वहां पर अंदर खाने बीजेपी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है उसकी वजह से हुआ, लेकिन सामना में बीते दिन दबे हुए अंदाज, छिपे हुए अंदाज में नहीं फडणवीस साहब, खुलकर धमकी आई बीजेपी के लिए। उसमें लिखा गया विरोधियों की संख्या 105 है, इतनी बनी रहे ये हमारी शुभकामना है।
सरकार के पास 170 है, अगर 200 हो जाएं तो विरोधी सरकार को दोषी ना माने, ये लिखने की नौबत। देखिए, गीदड़ भपकियों से डरने वाली बीजेपी नहीं है। अंजना जी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गीदड़ भपकियों से डरने वाली बीजेपी नहीं है। सरकार में, सरकार की पार्टियों में इतना असंतोष है, पहले उसको समाप्त करने की कोशिश करें। हमारा नंबर हम जिस दिन बढ़ाने का तय करेंगे उस दिन बढ़ जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे से कोई टूटने वाला नहीं, अगर टूटने वाला होता तो एक सीट ज्यादा लड़ा कर देख लेते ना। ये जब MLC का चुनाव हुआ, क्यों इनको पीछे रहना पड़ा? उनको ये पता था कि उनके ही वोट टूटेंगे, क्योंकि उनके ही लोगों में बहुत नाराजगी है। और मैं अंजना जी आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, सामना में जो लिखा जाता है उसको बहुत सीरियसली मत लीजिए। वो कोई सारी चीजें सीरियस लेने लायक चीजें नहीं होती है। वो तो जिस दिन जो उनके मन में आता है, एक दिन राज्यपाल जी के विरोध में लिखते हैं, फिर दूसरे दिन राज्यपाल जी के यहाँ जाकर उनको नमस्कार करते हैं, फिर तीसरे दिन उनकी तारीफ लिखते हैं, फिर चौथे दिन उनके खिलाफ लिखते हैं। सामना की आदत है, लेकिन उसको सीरियसली मत लीजिए। लेकिन फडणवीस जी, उनका तो क्या, और ये सिर्फ सामना की बात नहीं है, वो आरोप सीधे लगा रहे हैं, चाहे शरद पवार जी हो, ठाकरे जी हो, सबका ये कहना है कि राज्यपाल तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भूमिका में आ गए हैं। पहली बात तो ये है, ये सारे लोग राज्यपाल जी पे आरोप भी लगाते हैं, उनके यहाँ जाके उनकी तारीफ भी करते हैं, मीडिया में भी उनकी तारीफ करते हैं। अंजना जी एक मोडस ऑपरेंडी आप ध्यान में लीजिए, ये सारी बातें ये क्यों कर रहे हैं? ये बातें करने से जो चर्चा का एजेंडा है वो चेंज होता है, नरेटिव चेंज होता है। वे चाहते हैं कि कोरोना की चर्चा कम से कम हो, महाराष्ट्र की कोरोना की परिस्थिति और महाराष्ट्र सरकार का जो फेलियर है वो फेलियर सामने आने के डर से रोज एक नया नरेटिव वो छोड़ देते हैं, रोज एक नई चर्चा की ओर वो मोड़ देते हैं, ताकि वो चर्चा चलती रहे और कोई ये ना पूछे, अंजना जी ये ना पूछे कि 105 लोग कैसे गुजर गए, अंजना जी ये ना पूछे कि ये धारावी में क्या हो रहा है। इस प्रकार की चर्चा दूर भटकाने के लिए इस प्रकार के विचार वो रखते हैं, इस प्रकार का नरेटिव वो करते हैं, लेकिन हम भटकने वाले नहीं है। वो आरोप लगाए, वो प्रत्यारोप लगाए, वो राजनीति करे, कोई भी चीज वो करे, जनता की चिंता और जनता की वेदना ये सामने रखना हमारा काम है। आपने कहा कि सरकार में असंतोष है, वो उसको संभाले। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सब ठीक नहीं है आपके मुताबिक? राहुल गांधी ने कामकाज के तरीकों पर सवाल कर दिया और एक तरह से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, उन्होंने कहा वो संभाले, वो फैसले लेते हैं। क्या खटपट है सरकार में? हाँ बिल्कुल खटपट है। आप देखिए ना, पृथ्वीराज चव्हाण जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कांग्रेस के अन्य नेताओं का देख लीजिए, NCP के कुछ लोगों का देख लीजिए, शिवसेना में अंदरूनी जिस प्रकार का असंतोष है, जरा एक बार संजय राउत शिवसेना के मंत्रियों से और MLA से बात करके देखे, उनको तो ये लगता है कि हम डमी हो गए। इस प्रकार की अवस्था वहां पर है और मुझे ये लगता है उसकी ओर ज्यादा उन्होंने ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश में राज करने वाली पार्टी है, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, यहाँ सबसे बड़ी पार्टी, अपोजिशन में हम होंगे पर इन तीनों से दुगने सीटें हमारे पास है, इसलिए इन्होंने अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंदर खाने आप सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, एक स्पष्ट जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी हमको सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है। देखिए अंतर विरोधों की सरकार है, वो तो कह रहे हैं सर कि हम सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, हम सब एकजुट है। आप CM होते, 3 ऐसे काम जो आप अलग करते? पहले तो मैं CM नहीं हूँ, इसलिए मैं CM होता तो क्या करता ये नहीं कहता, पर ये सरकार ने क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। अगर आप कुल टेस्ट के बारे में देखेंगे, ये जरूर है कि शुरुआत में टेस्ट अच्छे तरीके से हो रहे थे, बाद में नंबर इतना कम कर दिया कि अब अगर हम टोटल जनसंख्या के अनुसार टेस्ट का हिसाब, तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्रेड है, कम स्प्रेड वाली जगह कम टेस्ट चल सकती है, पर जिस प्रकार का महाराष्ट्र में स्प्रेड है, कई राज्य महाराष्ट्र से ज्यादा यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, और जितनी टेस्टिंग इतने स्प्रेड में होनी चाहिए उतनी टेस्टिंग ये सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। उल्टा मैंने मुंबई का उदाहरण आपको बताया, लोगों के मरने की संख्या क्यों बढ़ रही है? टेस्टिंग जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे जिनको कोमॉर्बिडिटी है ऐसे लोग एट रिस्क आएंगे और ऐसे लोग मरेंगे। आज वही परिस्थिति हमको दिखाई पड़ती है, और इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं हमको कोई सरकार बनाने की जल्दी नहीं है। यह सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, जब तक चल रही है तब तक चलेगी,
ये जब तक चल रही है, हमारी इतनी इच्छा है कि कम से कम कोरोना का मुकाबला ताकत के साथ कीजिए, कोरोना का मुकाबला हिम्मत के साथ कीजिए। लेकिन आज जो हालत है उसमें तो मुंबई बेहाल है, हमने देखा है पुणे मुंबई इन दो शहरों को आने वाले वक्त में भी शायद लॉकडाउन 6 में बहुत सख्ती के साथ यहां पर नियम मानने पड़ेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में सर कंस्ट्रक्टिव विपक्ष तो यही है कि आप क्या 2-3 ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिससे परिस्थिति बेहतर हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जो ये अगाड़ी है उसका प्रोजेक्शन तो यही है कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और चमक तो ऐसी दिखती है कि कई बॉलीवुड सितारे बेस्ट सीएम भी कहते हैं। देखिए जिन बॉलीवुड सितारों ने पहले ट्वीट किया अब उनके ट्विटर अकाउंट शांत है, कुछ कह नहीं रहे, वो सारे के सारे ट्विटर अकाउंट अभी बंद है। महाराष्ट्र सरकार के कुछ कह नहीं रहे क्योंकि उनको ये पता है कि अब अगर ऐसी बात वो कहेंगे तो जो ट्विटर कम्युनिटी है वो कम्युनिटी उनको जवाब पक्का देगी। लेकिन वो छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल इतना कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ ये है कि लॉकडाउन तो महत्व का है ही, पर लॉकडाउन से एग्जिट पॉलिसी भी महत्व की है, उसका भी विचार हमको करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने एक सुझाव राज्य सरकार को दिया है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों की एक एक टीम तैयार कीजिए, उनमें से जो उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं उनके साथ कुछ डॉक्टर्स, और उनको ये कहिए कि आप अपने क्षेत्र का प्रोटोकॉल तैयार कीजिए, कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए आपका क्षेत्र कैसे खुल सकता है, कितना प्रतिशत खुल सकता है, 10%, 20%, 50%, 100%, कहां पर कितना खुल सकता है, ऐसे प्रोटोकॉल तैयार करके एक एग्जिट पॉलिसी तैयार करके अर्थव्यवस्था को खोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, मेरा मानना यह है कि स्पाइक आया हुआ है, स्पाइक कंटिन्यू होने वाला है, ये केसेस बढ़ने वाली है, इस चीज को समझकर हम लोग हमारी तैयारियां करें, बड़े पैमाने पर हम लोग बेड्स की व्यवस्था करें, बड़े पैमाने पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करें, लेकिन उसके साथ साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए पैरामेडिक्स कहां से आएंगे, डॉक्टर्स कहां से आएंगे, इसके भी व्यवस्था करें, स्ट्रेटजी आगे के लिए, तब जाकर हम इस स्ट्रेटजी से लोगों को बचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सवालों का जवाब देते हुए हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।